किसी भी तरह से लोभ लालच में नहीं पड़ते हुए आप एकदम निष्पक्ष जो विकासशील है व्यवहारशील है वैसे व्यक्तियों के देखिए। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिसका देखिए कि पढ़ा लिखल भी बहुत रहेगा, उसका बिल्डिंग रहेगा, रुपया पैसा में कमी नहीं है, पैरवी में भी कमी नहीं है। नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल खबर। अब घमासान पंचायत चुनाव में काफ़ी तेज होने को चला है। अब जो प्रत्याशी हैं अपनी नामांकन के लिए आ रहे हैं और लगातार वो एक एक घरों तक संपर्क कर रहे हैं और लगातार लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए भी कह रहे हैं। हमारे साथ मुखिया पद के लिए उम्मीदवार सोमा जी हैं जो पिछले बार पंचायत समिति भी रहे थे। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ योजनाएं इस बार वो पंचायतों तक लेकर आएंगे। सोमा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका लोकल खबर में। नहीं, पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लोकल खबर से आप आए हैं और इतना बढ़िया जो अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है उसका कवरेज दे रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पीछे बार हम मैं पंचायत समिति सदस्य में था और हम लोग को नहीं के बराबर फंड था, लेकिन मैं बहुत प्रयास करके पूरा जितना मेरा समय था पूरा हम जनता के सेवा के लिए 24 घंटा खड़ा रहे और जितना भी सके सरकार का जो भी गाइडलाइन के अनुसार मान के चलिए आवास है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, नाली है वगैरह वगैरह जितना भी इससे हट के भी हमने बहुत काम किया। गांव का जो आप पक्की सड़क आज देख रहे हैं उस सड़क में भी मेरा ही योगदान है। आपका चेक डैम अधूरा था उसमें भी योगदान है। आपका जाके देखिए लाइट का थोड़ा नहीं लगने का था पंचायत में, वो भी लिखा पढ़ी किए सचिव के यहाँ, वो भी लाइट लगा। तो मेरा एक तरह से कहिए बहुत प्रकार का योगदान है और हम तो यही कहेंगे कि जनता सर्वोपरि है। एक पंचायत में आपको हम कहना चाह रहे हैं कि 10 गो 12 गो 15 गो प्रत्याशी खड़ा होते हैं और कोई ना कोई प्रत्याशी एक दूसरे से, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बेटा है, कहीं कहीं तो ऐसा है कि पति पत्नी भी है। लेकिन हम जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहेगी। और हम जनता से यही मेरा आग्रह होगा, प्रार्थना होगा कि किसी भी तरह से लोभ लालच में नहीं पड़ते हुए आप एकदम निष्पक्ष जो विकासशील है व्यवहारशील है वैसे व्यक्तियों को देखिए और भाई भतीजावाद में नहीं चलना है। आपको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 12 कैंडिडेट कोई पंचायत में खड़ा है तो आपको सब एक दूसरे से भाई भतीजा चाचा है, आपको लगेगा कि चाचा खड़ा है वो भतीजा खड़ा है, किसको दे किसको नहीं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप जैसे बाजार जा रहे हैं 1 kg टमाटर ले रहे हैं, टमाटर में देखिए कि कोई टमाटर में थोड़ा सा गलल है, उससे कोई ज़्यादा गलल है, कोई बढ़िया हो तो एकदम गोल ना रहे, तो वैसे ही व्यक्ति वैसे ही प्रत्याशी को आप जीतिए और जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहेगी उसी को चुनेगा। और जनता से मेरा यही आग्रह है कि भाई भतीजावाद परिवारवाद में नहीं जाना है, एकदम निष्पक्ष होकर व्यवहार कुशल व्यवहारिक व्यक्ति को वोट देना है ताकि गाँव का अच्छा से विकास हो सके। और एक जो प्रत्याशी है उनके साथ महिलाओं का साथ है, उसको कैसे देखते हैं? उस साथ को हम नहीं देखिए, आपको बाहर में बहुत दिखाई दे देगा कि भाई देखिए वही चीज़ हम बोले ना, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिसका देखिए कि पढ़ा लिखल भी बहुत रहेगा, उसका बिल्डिंग रहेगा, रुपया पैसा में कमी नहीं है, पैरवी में भी कमी नहीं है, व्यवहार कुशल होना चाहिए, काम होना चाहिए। आपको पंचायत लेवल में यही देखना है, भाई भतीजावाद परिवारवाद ये सबको नहीं देखना है। जब व्यवहार कुशल हो, व्यवहारिक हो, प्रगतिशील हो, जो जनता के लिए 24 घंटा मैंने उपस्थित हो। 12 बजे अगर बिजली का काम हमको पड़ता था तो 12 बजे के तुरंत हम वहाँ पर पहुँच जाते थे, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार का कुछ हो गया, ये सब के लिए हम सदैव तत्पर रहते। वो तो जनता जवाब दे देगा इलेक्शन दिन, जनता अगर थोड़ा सा भी सोचेगा तो निश्चित रूप से प्रगतिशील व्यवहारिक कुशलपूर्वक व्यक्ति को ही वोट दे के जिताएगा। ताकि क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप भाई भतीजावाद परिवारवाद को नहीं देखिए, जो व्यवहार कुशल है, प्रगतिशील है, व्यवहारिक आदमी है वैसे व्यक्तियों को दीजिए ताकि सबको मिला के चले, सबका साथ लेके चले। हमारे साथ सोमा जी जुड़े हुए थे जो इस बार बोड़िया पंचायत से मुखिया के लिए नामांकन किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनकी कितनी साथ देती है और इनको जिताती है या नहीं। लोकल खबर के लिए मैं सचिन।